आपकी जितने भी डेड स्किन सेल्स होंगे वो इस तरीके से बाहर आ जाएंगे। इसके बाद 5 से 10 मिनट आपने इसको यूं रब करना है। इसके बाद आपने इसको ठंडे पानी के साथ वॉश करना है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मजे में होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक ऐसा होम मेड स्किन वाइटनिंग फेशियल जिसका इंस्टेंट रिजल्ट आपको विद इन 10 मिनट्स आपकी आंखों के सामने मिलेगा कि ये फेशियल आपकी स्किन के लिए कितना अच्छा है, कितना बेनिफिशियल है। ये फेशियल आप घर पे इजीली कर सकते हैं बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ों से जो कि हमारी स्किन को इंस्टेंट ब्राइट करती है। ये है जी हमारे पास एलोवेरा जेल। अगर आपके पास एलोवेरा जेल ये वाली ना हो तो आप घर की भी यूज़ कर सकते हैं, उसके ज़्यादा फ़ायदे हैं, लेकिन मेरे पास वो अवेलेबल नहीं थी तो मैं ये मोस्टली यही यूज़ करती हूँ। एक आपके पास एलोवेरा जेल होनी चाहिए। इसके बाद आपने ले लेना है, ये है जी हमारे पास ग्राम फ्लोर, जिसको हम आम जबान में बेसन भी कहते हैं। बेसन हमारी स्किन के ऊपर कितना इंस्टेंट ब्राइटनिंग का काम करता है ये तो सब आपको पता है कि इससे हमारी स्किन है वो कितनी ग्लो हो जाती है, कितनी लाइट हो जाती है और कितनी ब्राइट हो जाती है। ये बेसन है। इसके अलावा हमें चाहिए रॉ मिल्क। रॉ मिल्क मतलब कि कच्चा दूध। अगर आपके पास कच्चा दूध ना अवेलेबल हो तो आप यहाँ पे इसकी जगह बॉयल्ड मिल्क भी डाल सकते हैं, कोई मसले की बात है ही नहीं। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसा होममेड स्क्रब बनाऊंगी जिसका इंस्टेंट रिजल्ट आपके फेस पर मिलेगा। आप इस फेस पैक को फेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, अपने हाथों पर भी अप्लाई कर सकते हैं और अपने पाँव पर भी अप्लाई कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। तो चलिए बिना स्किप किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू। तो हमारी रेमेडी का फर्स्ट स्टेप ये है कि आपने सबसे पहले एक बाउल में ले लेना है जी बेसन। बेसन के बाद आपने इसमें क्या ऐड करना है? बेसन के बाद आपने इसमें ऐड करना है जी ये है जी हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर ऐड करने के बाद आपने इसमें जो तीसरी चीज ऐड करनी है वो है जी ये एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आप कोई भी यूज कर सकते हैं, मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में भी बताया था कि आप कोई भी यूज कर सकते हैं। तो आपने इसकी 1/2 टेबल स्पून के करीब एलोवेरा जेल ले लेनी है इस तरीके से, ये इसके अंदर शामिल कर देनी है। अब इन तीनों चीज़ों को हम मिक्सअप किस तरीके से करेंगे? आपने जी लेना है कच्चा दूध। ये है जी हमारा इंस्टेंट वाइटनिंग फेस स्क्रब जिससे हमारी स्किन जो है वो बहुत ही ब्राइट हो जाएगी, लाइट हो जाएगी। आपने थोड़ी थोड़ी मिकदार में दूध डालना है ताकि आपका जो ये पेस्ट है वो ज़रा घना सा बने, इतना पतला ना हो जाए कि हमारी जो स्किन है वो उस पर रुके ही ना। तो आपने हल्का हल्का सा दूध डाल के इसको मिक्स एंड मैच कर, तो इस तरीके से आपने इन तीनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स एंड मैच करना है और इसका एक फाइन सा पेस्ट बना लेना है ताकि ये आपकी स्किन को इंस्टेंट ब्राइट कर दे इस तरीके से। तो ये है जी हमारा इंस्टेंट ब्राइटनिंग फेस पैक। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि ये किस तरीके का है। आपने बस इसको इतना पतला रखना है ताकि ये आपके फेस पर अच्छे तरीके से अप्लाई हो सके। आपने इस फेस पैक को वीक में 2 से 3 बार ज़रूर इस्तेमाल करना है ताकि आपकी स्किन पर जितने भी एक्ने स्कार हैं, जितने भी पिगमेंटेशन है, जितने भी और प्रॉब्लम्स हैं इस फेस पैक से दूर हो सके। तो आपने इस फेस पैक को बना लेना है इस तरीके से, आपने लेना है और अपने हाथ पर अप्लाई करना है इस तरीके से। आपको मैं एक हाथ पर अप्लाई करके दिखाऊंगी और आप मेरे दोनों हाथों में डिफरेंस देखेंगे कि हमें इस फेस पैक का कितना इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है ऑन द स्क्रीन। आपके इस फेस पैक का कितना इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा, आपने बस इसको गीले गीले हाथों से इसको इस तरीके से रब करना है 10 से 15 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट के लिए जब आप इसको रब करेंगे तो आपकी स्किन से जितनी भी डेड स्किन सेल्स है वो उतर जाएंगे और आपकी जो स्किन है वो थोड़ा सांस लेने के काबिल हो जाएगी, उसकी जो ओपन पोर्स हैं वो भी थोड़े क्लोज हो जाएंगे। तो आपने इस तरीके से लाइट लाइट से रब करना है और 10 से 15 मिनट के लिए इसको खुश्क होने के लिए छोड़ देना है। तो 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, आपने क्या करना है कि जब आपका ये फेस मास्क इस तरीके से सूख जाए तो आपने हल्के हल्के हाथों से इसको रब करना है फेस के ऊपर, अपने हाथों के ऊपर और अपने पाँव के ऊपर, ताकि इसके ऊपर जो जितनी भी मैल जमी हुई है आपकी स्किन से जो निकली होगी वो ताकि अच्छे तरीके से बाहर आ जाए। इस तरीके से आपने इसको रब करना है अपने दोनों फिंगर्स के साथ यूं इस मोशन में, ठीक है। तो आपने इस तरीके से आपने पूरे हाथ पे ये आपकी जो ये इस तरीके से जो है ना आपकी सारी जो गंदगी वगैरह है ना आपकी जितने भी डेड स्किन सेल्स होंगे वो इस तरीके से बाहर आ जाएंगे। इसके बाद 5 से 10 मिनट आपने इसको यूं रब करना है। इसके बाद आपने इसको ठंडे पानी के साथ वॉश करना है और आपको इंस्टेंट रिजल्ट आपको मैं अभी शो करवाऊँगी कि इस हाथ में और इस हाथ में हमारा कितना डिफरेंस होगा आप ऑन द स्क्रीन देखेंगे।
तो ये देखें जी, धोने के बाद आप मेरे दोनों हाथों में डिफरेंस देख ही सकते हैं कि हमने इस हाथ पे अप्लाई किया था ये फेस मास्क और इस पे नहीं अप्लाई किया था। तो आप मेरे दोनों हाथों में डिफरेंस देख ही सकते हैं कि ये हमारा जो हाथ है वो कितना ब्राइट हो चुका है, इसमें कितनी शाइनिंग आ चुकी है और ये कितना वाइट हो चुका है। तो आपने इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताना है कि आपको ये रेमेडी कैसी लगी। आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, पसंद आई तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।